बस मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत दिन से लॉकडाउन लग गया था, मैं शांति से घर में बैठ गई थी अपने डॉग के साथ, अपने मॉम डैड के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करा। नाउ इट्स टाइम टू बैक इन इंडस्ट्री और मैं वापस दो फिल्मों के साथ वापस आ रही हूँ। एक तो ये मेरे पापा, जो मेरे लिए बहुत ही प्यारा टाइटल है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और दूसरा मंगलसूत्र पार्ट टू है ये, क्योंकि एक पार्ट वन आई थी जो बॉबी जी ने बहुत पहले डायरेक्ट करी थी, मनोज तिवारी जी की वो मूवी थी। अब ये उसी का सीक्वल है, मंगलसूत्र पार्ट टू। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है कि इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और मुझे एक इतनी लेजेंडरी मूवी का सीक्वल करने को मिल रहा है। और दूसरा मेरे पापा में अवधेश जी के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है। मैं इनके बारे में हमेशा एक बात बोलती हूँ, ये जब भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं ना, तो फिर किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जब भी स्क्रीन पर रहते हैं तो आप पूरी स्क्रीन को एकदम ग्राफ करके रखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका डायलॉग डिलीवरी, ऑब्वियसली आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अपने पापा की बेटी बनूंगी और उनके साथ इस जो मूवी के इमोशन हैं, जो मेरे पापा का जो किरदार है और उसके जो इमोशन है, वो मेरे पापा का इमोशन जब तक एक बेटी नहीं जिएगी तब तक उस प्यार को, उस इमोशन को जस्टिफिकेशन नहीं मिलने वाली। तो ये बेसिकली एक बेटी और एक बाप के बीच का गिव एंड टेक होगा, उनके इमोशंस होंगे, उनकी जर्नी होगी ये जो हम देखने वाले हैं इसमें। दर्शकों से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पापा को अपने पापा जितना प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें, और इस मूवी को जल्दी हमारी फ्लोर पर जा रही है, इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाएं। उस फिल्म की बात चल रही है जिसमें इतनी संवेदनाएँ हैं, इतनी ऑथेंटिसिटी है, और ये हमारे आम जीवन की कहानी है, हर घर की कहानी है, तो उससे जो लगाव है, उससे जो जुड़ाव है। मैंने भी एक अभिनेता के तौर पे आज जो निर्देशन भी किया वो पिता पुत्री के रिश्ते पे किया, लेकिन ये पापा, मेरे पापा, ये शायद अब तक मैंने इस तरह की कहानी सुनी नहीं, इस तरह के कथानक पे कभी काम किया नहीं। तो अब जब ये मेरे सामने आई है फिल्म, तो मैं इसके लिए सबसे पहले थैंक्स बोलूँ हमारे बॉबी सिंह जी का, जो इसके निर्देशक हैं, हमारी निर्मात्री हैं, हमारी आकांक्षा इनके पतिदेव हैं, अभिनय में भी ये बहुत ही अद्भुत है। तो एक संपूर्ण एक परिवार मिला है, मुझे लग रहा है कि शायद ये फिल्म बने तो उसका क्या प्रारूप होगा, ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक एक आज तक के अनुभव के आधार पर जो सोच रहा हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे स्वर्णिम फिल्म होगी मेरे पापा। मतलब मुहूर्त जिनका हुआ है फिल्म में, डेफिनेटली कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, और मतलब जो आजकल हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि OTT पे क्राइम, मर्डर और इस तरह की कहानियाँ, मतलब ज़्यादा इन्होंने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी इंसानियत की सच्चाई है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो दिल को छूने वाली बातें हैं, वो कहीं मिसिंग हो रही थी। तो मैं उस पर स्टिक रहा और ये कहानियाँ मैंने क्रिएट की, और ये बड़ी खूबसूरत कहानियाँ हैं, और जो रियली जो रिश्तों को एकजुट होना सिखाती हैं, बांधना सिखाती हैं। कोशिश तो कर रहा था एक ही फिल्म लेकर आऊँ, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करो, एक साथ में दो फिल्में कर दो, और मंगलसूत्र जो मेरी पहली फिल्म थी मनोज तिवारी के साथ में, मंगलसूत्र पार्ट वन, मैं तो एक ही फिल्म को कॉन्सनट्रेट कर रहा था, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई मंगलसूत्र भी इसी बीच में बना दो, इसी के चक्कर में मंगलसूत्र भी हो गया। और लेकिन मैं तो पहले तो दोनों पिक्चर कर रहा था, सडनली मुझे लगा कि भाई हमारे मनीष खंडेलवाल जो डायरेक्टर हैं, काफ़ी सीरियल्स के काफ़ी ये गुणी आदमी हैं और फिल्में भी काफ़ी डायरेक्ट कर चुके हैं, तो लगा कि भाई वो एक फिल्म डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में अब वैसा नहीं हूँ कि भाई डायरेक्ट करूँ। मेरे पापा इसलिए मुझे दिल से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं अपने पापा के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो मैं उस अपने पापा को इस फिल्म में दिखाना चाहता हूँ लोगों को। और अवधेश जी को मैं अपने पापा को देखता हूँ, इसीलिए जो है ना उस अवधेश जी को मैंने बोला कि आप करो हमारे साथ। मंगलसूत्र जो है ना, इसमें भी काफ़ी कैरेक्टर हैं, उसमें भी अवधेश जी हैं, और वो बहुत यूनिक स्टोरी है। हमारा हीरो जो है ना गूंगा होता है, सडनली मालूम पड़ता है, पूरी फिल्म में गूंगा है, एंड में मालूम पड़ता है वो गूंगा नहीं होता है। एक कैसे एक प्यार, वो एक्चुअली मंगलसूत्र एक ट्रू लव स्टोरी है। वो फिल्म मंगलसूत्र टाइटल है, लेकिन एक लड़का अपनी बीवी की खातिर वो पूरी ज़िंदगी गूंगा हो जाता है, वो स्टोरी है।
तो आज का ही दिन आपने इन दोनों फिल्मों के मुहूर्त के लिए क्यों चुना? आज के दिन इसलिए क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा था, फ्राइडे था। मैं एक्चुअली फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, प्लस आज 18th है वो भी बहुत खास था। आज सारे लोग बहुत फ्री थे, प्लस आज हम हिंदुओं का नया वर्ष भी है, और हम लोगों का जो है नया साल शुरू हो रहा है, नया साल है और मानवता का सबसे बड़ा पर्व है होली। रंगों का त्योहार है, खुशी और मानवता का सबसे बड़ा है, सब रंग खेल रहे हैं, सब एक साथ ही, इतनी ज्यादा खुशी है। तो इसमें अपनी दो क्या मैं आगे के फ्यूचर के दो फिल्में और भी मैं सोच रहा था कि भाई इसे भी कर लो। एक्चुअली दो फिल्म इसलिए बना रहे हैं कि प्रोड्यूसर की तरफ से पैसे इतने दे दिए गए हैं कि एक फिल्म में तो यूँ खर्चे होने वाले तो दो बनाएंगे, लेकिन दोनों ही अद्भुत बनाएंगे। मंगलसूत्र उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी पहले की, मनोज तिवारी जी थे, अभी उसके पार्ट टू बना रहे हैं। सिक्वल तो नहीं है, सिक्वल है, वेरी गुड। और मैं मेरे पापा अभी फ़िलहाल मैं पापा में ही हूँ, मंगलसूत्र के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा मैं बन चुका हूँ। और ये भी सत्य है कि अभी मेरी बेटी की शादी है अप्रैल में, उसके बाद मैं फिल्म करूंगा तो मेरे पापा ही करूंगा, और फिलहाल बीच में कोई फिल्म भी नहीं कर रहा हूं।